हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई एजेंट का या एडवाइज़र का या अभिकर्ता का एग्ज़ाम है, या हो सकता है कि आप LIC ADO या AO के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इंश्योरेंस आता है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट एक रिविजन के तौर पर ये एक क्वेश्चन सेट है जो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वेबसाइट पे मिल जाएगी पूरी PDF। आप चाहो तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द ओल्डन डेज द चाइनीज ट्रेडर्स यूज टू कीप देयर गुड्स इन डिफरेंट बोट्स वाइल सेलिंग थ्रू द चेरियस वाटर्स एंड लाइस वाई। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने ज़माने में जब चाइनीज़ ट्रेडर्स अपना सामान लेके जाते थे ना समुद्र में, तो वो अपना सामान थोड़ा थोड़ा अलग अलग बोट्स में रखते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो, इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो है आपके लिए करने में आसान हो जाएगा। देखो, इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आसान सा है। आसान सा क्या है कि बहुत सारे लोग जिनकी नीड सेम होती है, सेम नीड, ठीक है, वो इकट्ठे आते हैं, ठीक है। इकट्ठे आने के बाद में वो छोटे छोटे अमाउंट कलेक्ट करते हैं पैसे का, ठीक है, स्मॉल अमाउंट कलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके पास एक बड़ा फंड हो जाता है, ठीक है, लार्ज फंड तैयार हो जाता है। सोचो, आपके किसी के पास 1 रुपया है, क्योंकि तो बहुत ही कम अमाउंट है। अब सोचो, 100 करोड़ लोगों ने 1-1 रुपया दे दिया तो कितना अमाउंट बन गया, 100 करोड़, ठीक है। अब देखो, यही बात है कि 1-1 रुपया भी अगर 100 करोड़ लोग इकट्ठा करेंगे ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, इस बड़े फंड को ना कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो किसी का घर में कोई नुकसान हो गया, तो ये पैसा उसको दे दिया जाता है, किसको, जिसको इसकी ज़रूरत होती है, एक तरीके से विक्टिम बोल दीजिए, ठीक है, जो अर्थक्वेक का या उसका वो विक्टिम है उसको मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि फंड में आपके पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए इसको दे दिया जाएगा, नहीं, जितने का लॉस उसको हुआ होगा ना, उतने रुपए इसको हम दे दिए जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का कहता है कि मैनी, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं, और कुछ लोग जिनका नुकसान होता है उनको पैसा दे देते हैं। यही क्या है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो, यही चीज़ ना उस क्वेश्चन में आपको मिलेगी कि बहुत सारा सामान बहुत सारी नाव में रख दिया चाइनीज ट्रेडर्स ने, इकट्ठा न रखे, क्यों, जिससे कि उनका सामान, हो सकता है कि उस नाव में, उस जहाज़ में कोई दिक्कत आ जाती तो वो सारा सामान गया ना हाथ से, या डकैत आ जाते, कुछ भी हो सकता था, बट वो थोड़ा थोड़ा सामान अलग अलग उसमें रखा हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि सारा सामान ना ख़राब हो के कुछ ही सामान ख़राब होगा, ठीक है। तो यही है इंश्योरेंस। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है इसमें। देखो, चाइनीज बोट्स फॉर स्मॉल एंड दे कैरीड हैवी गुड्स, नहीं, ये कोई इंश्योरेंस का मतलब है ही नहीं। दूसरा क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट मैंडेटेड डेट द गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल शिपिंग कंपनीज सो डैट दिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। ये भी इंश्योरेंस को कोई नहीं बता रहा कि क्यों करते थे। मैंने भी बताया ना कि बोट्स नहीं करते थे जिससे कि नुकसान कम हो सके। तीसरा क्या है, चाइनीज ट्रेडर्स प्लेस देयर गुड्स इन डिफरेंट बोट्स बिकॉज इट प्रोवाइडेड इंश्योरेंस अगेंस्ट टोटल लॉस। देखो, यही है ना, टोटल लॉस से उनका बचाव हो जाता था, तो इसका आंसर क्या है, ये है, ठीक है, टोटल लॉस से बचाव हो जाता था, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो, कॉस्ट ऑफ द रिस्क पूछा है इसमें। अब रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है खतरा, हिंदी में खतरा बोलते हैं ना इसको, ठीक है। अब खतरा देखो किससे होता है और कितना होता है, मैंने दोनों वर्ड्स बोल दिए, किससे और कितना, ठीक है, दोनों वर्ड बोल दी ना, कितना हो गया इम्पैक्ट, किससे क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। आप किसी आग वाले एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे खतरा ज़्यादा है ना, आग, आपको आग पकड़ ले आप जल जाओ, और एक सूखी जगह पर खड़े हो जिसमें कि आग ही नहीं है, पानी भरा पड़ा है, तो जहाँ पानी है वहाँ पे आप जलने खतरा है आपको या नहीं है, आपको क्योंकि नहीं है। तो यही है कि जिस पे रिस्क डिपेंड करता है, एक इम्पैक्ट कितना नुकसान हुआ और एक प्रोबेबिलिटी की क्या संभावना है।
अब देखो तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर है प्रोबेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द लॉस, ठीक है। तो मैंने यही बोला ना, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, तो इसका आंसर क्या है, यही है, ठीक है। चलो अब देखो बैचेस पीडीएफ में ना आंसर्स दे रखे हैं, आप जब डाउनलोड करोगे या मिलोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। बट मैं आपको केवल आंसर्स नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखो स्टेटमेंट पहला वन, पहला क्या है, अंडर म्यूचुअलिटी द फंड्स ऑफ द वे, चलो ये पढ़ने से पहले आप ये जान तो लो कि होता क्या है। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा म्यूचुअल, कि म्यूचुअल फंड है, फेसबुक पे अगर आप हो गए तो क्या हो गया, म्यूचुअल फंड है, फ्रेंड का फ्रेंड है। म्यूचुअल मतलब जहाँ पे दो या तीन लोगों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अमाउंट्स को ना लेते हैं, ठीक है, और उसको इकट्ठा करते हैं एक कॉमन जगह पे, ठीक है। आपका कहीं तो इंश्योरेंस होता है, हाँ यही होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पूलिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, पूलिंग। तो यही होता है म्यूचुअल, ठीक है, जिसमें अलग अलग लोगों की कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करते हैं और एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द फंड्स ऑफ द वेरियस इंडिविजुअल्स आर कम्बाइंड। देखो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग अमाउंट डाले ना, वो इकट्ठा हो गए, तो क्या हो गया कि लोग अलग अलग लोगों के फंड जो हैं वो कम्बाइन हो गए, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, इज ऑल्सो नोन एज पूलिंग। पूलिंग क्या है ये, देखो पूलिंग क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करने तो पूलिंग होता है ना, तो अब अलग अलग लोगों के अलग अलग फंड्स हम एक साथ इकट्ठा करें तो उसे पूलिंग ही तो बोलेंगे ना। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट। अगला क्या है, वी हैव फंड्स फ्लो फ्रॉम वन सोर्स टू मैनी। अब देखो वन सोर्स टू मैनी मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, फिर आपने इसमें से छोटे छोटे अमाउंट निकाल दिए, बल्कि तो उल्टा है ना, कि छोटे छोटे अमाउंट्स को आप एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, तो मतलब यही गलत है। और इनकरेक्ट पूछा है तो इसका आंसर क्या है, यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो ये ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, उससे पहले क्या लिखा है, प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इकोनॉमिक लॉस अराइजिंग एज रिजल्ट ऑफ द वंस अनटाइमली डेथ, दिस लॉस इज शोल्डर्ड एंड एड्रेस्ड थ्रू हैविंग अ फंड दैट पूल्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैनी हु हैव एंटर्ड इनटू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये म्यूचुअलिटी को पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, द अर्लीस्ट टाइप ऑफ द मॉडर्न इंश्योरेंस वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बाई बिजनेस गिल्ड्स और सोसाइटीज इन यूरोप स्पेशली इन, ये कहाँ पूछा है। देखो उसमें कुछ समझाने की वाली चीज़ है नहीं, बस याद करने की चीज़ है कि ये हुआ था इटली में, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इटली। देखो क्या है, इटली, ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन, इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब, ये है, इन द टर्म्स ऑफ ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है, कि इसमें आपको अपनी सारी चीज़ें सामने वाले को बतानी पड़ती हैं। अगर आप किसी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंश्योरेंस वाला आपको चीज़ें बताएगा सारी खुल के, ठीक है, ये मानते हुए कि ये अटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत है। और जो ले रहा है वो भी अपनी सारी डेटा बताएगा, अगर वो स्मोकर है तो बताएगा, अगर वो नॉन स्मोकर है तो बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा, छुपाएगा नहीं, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा है, क्या लिखा है, कंसीलमेंट इज इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर। कंसीलमेंट क्या होता है, चोरी होता है, ठीक है। अगर और साफ शब्दों में करूँ तो इसका मतलब होता है छुपाना, ठीक है। मैंने अभी बोला था कि इसमें कुछ छुपाया नहीं जाता, सब कुछ साफ साफ बताया जाता है। ये क्या, इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर, जान पूछ के, और इसमें एक बताया बोलना है कि नॉट करेक्ट, सही नहीं है, ठीक है। कंसीलमेंट क्या है, वो जान पूछ के छुपाया हुआ है, कि उसने डिस्क्लोज नहीं करा, इंटेंशनल है, ठीक है। क्या, कंसीलमेंट इज इनोसेंट। अब देखो कोई चीज़ छुपा रहा है तो वो इनोसेंट हो सकता है क्या, आप कहोगे नहीं इनोसेंट नहीं है, वो जानबूझ के कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। देखो 2, देखा, फ्रॉडलेंस इज इंटेंशनल, भैया कोई फ्रॉड करेगा तो अपनी इच्छा से तो करेगा ना, धोखे से थोड़ा होता है। हाइडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजीज इज इंटेंशनल, देखो ये भी सब इंटेंशनल है, अगर आपको कोई बीमारी आप ना बताएं तो इंटेंशनल है ना।
अगर आपसे वो कहते हैं ना वकील से डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, इंश्योरेंस वाले से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, पता चला कि आपने इंश्योरेंस ले लिया और फिर आपको जब क्लेम लेने की बात आई तो कंपनी ने आपको ठेंगा दिखा दिया कि आपने तथ्य छुपाए थे तो हम नहीं देंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करने से मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं हूं विकास अधिकारी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर हूं मैं LIC में, ठीक है, कोटद्वार मेरी ब्रांच है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो LIC से रिलेटेड या किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमें मैसेज कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, और किसी को अभिकर्ता बनना हो, अभिकर्ता क्या फ़ायदे होते हैं, कोई भी चीज़ हो तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया वॉज सेटअप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इसका सीधा सा आंसर है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था 1956 एक्ट में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर, तो ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, 1956 याद कर लेना, इसी में LIC बना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। देखो ये तो सबको पता है ना, आरोग्य भारत वाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसका आंसर यही है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पेरिल एंड हजार्ड। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जानने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि होता क्या है। अभी ऊपर हमने रिस्क की बात की थी, ठीक है, अब रिस्क की हमने बात की थी, अब रिस्क के पीछे कुछ कारण होता है ना, कारण जिससे वो होता है, रीज़न। ठीक है, तो पेरिल जो है ये वही रीज़न है। अब हजार्ड क्या है, इस रीज़न को जो बढ़ा देता है उसको बोलते हैं हम हजार्ड। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़े होंगे, तो हजार्ड क्या है, वही है जो इस कारण को बढ़ा देता है, और पेरिल क्या है, सीधा सा जो कारण है उसका, ठीक है, उसके पीछे होने का। देखो ऑप्शन क्या है, पेरिल इज द कॉज ऑफ लॉस एंड हजार्ड इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट लॉस। नहीं, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या है कि उससे होने वाला नुकसान, वो तो रिस्क हो गया ना, पेरिल से जो होने वाला है वो तो रिस्क हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये जो बढ़ा देता है, तो ये तो आंसर नहीं है। चलो अगला, पेरिल इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ द लॉस वाइल हजार्ड इंक्रीज और डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, तो यही तो है, यही तो मैं इतनी देर से बताया मैंने आपको कि जो डायरेक्ट कॉज है वो है पेरिल, जिसका जो रीज़न है, जो कारण है वो होता है पेरिल, और जो बढ़ा देता है या घटा देता है उस संभावना को वो होता है हजार्ड। तो इसका आंसर क्या है, यही है। ठीक है, देखो अगला देख लो, हजार्ड इज डायरेक्ट कॉज नहीं, पेरिल होता है। देखो, पेरिल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस वाइल हजार्ड इज डायरेक्ट इम्पैक्ट, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, यही है। चलो अगला क्वेश्चन, द IRDAI वॉज सेटअप वॉज स्टेब्लिश्ड इन ईयर डैश अंदर। देखो 2000 में बना था ये, ठीक है, सीधा सा आंसर याद कर लेना कि 2000 में बना था IRDA। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, लॉस कॉस्ट बाय एन अर्थक्वेक आर। देखो क्रूशियल होता है, अब देखो ये जो है ना, ये लॉस ही नहीं होते, ठीक है, ये अब केवल एक ही आंसर बचा है इसका, क्या है, क्रिटिकल। तो ये है इसका आंसर, क्रिटिकल चाहिए, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, क्रिटिकल होता है, कैटेस्ट्रॉफिक लॉस होता है, ऐसे लॉस होते हैं। ठीक है, हु इज प्रोटेक्टेड अंडर द इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज इंक्लूडेड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो अगर दो से तीन साल के बाद आप जो है ना अपने बीमा को चेंज नहीं कर सकते, और ठीक है, और ना आपके साथ कोई धोखा कर सकता, तो इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को बदल के आपको कुछ और नहीं दे सकती, जो हो गया वो हो गया। तो इसमें जो जिसको सुरक्षा मिली ना प्रोटेक्टेड, वो कौन है, वो है इंश्योर्ड। ठीक है, अब कुछ बदल नहीं रहा तो उसका जो एडवांटेज है किसको मिलेगा, इंश्योर्ड को तो मिलेगा ना 2 से 3 साल बाद। ठीक है, तो इसलिए यही है क्लॉज जो है इन स्टेबिलिटी क्लॉज इंश्योर्ड को बचाती है, और 2 से 3 साल के टाइम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी एक्सपोज टू द एक्सीडेंटल हजार्ड्स इन हिज और हर ऑक्यूपेशन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो हजार्ड्स जो होते हैं ना वो कई तरह के होते हैं, ठीक है, इमोशनल भी होता है, कई तरह के होते हैं, क्वेश्चंस मिलेंगे हम आपको बताएंगे, हेल्थ भी होता है। अब इसने पूछा एक्सीडेंटल हजार्ड, ठीक है, हजार्ड मैंने ऊपर बताया था कि जो पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, संभावना को बढ़ा देता है, वो होता है हजार्ड। अब एक्सीडेंट का जो हजार्ड है, संभावना किसको ज़्यादा होंगी, आप बताओ, मेडिकल प्रोफेशनल के साथ एक्सीडेंट होने की संभावना है, आप कहोगे हो सकती है, बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, टूरिस्ट गाइड है उसको कोई संभावना है, आप कहोगे नहीं। ये क्या है,
डेमोलिशन एक्सपर्ट्स, सबसे ज़्यादा संभावना इसको ही है, ठीक है। देखो इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा इनको है, क्या है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हु इज़ रेगुलरली ऑन द फील्ड, ठीक है, फील्ड में है, उसको हज़ार तो होंगे बट ये डेमोलिशन से ज़्यादा तो नहीं होंगे। अब मटेरियल क्वेश्चन नंबर 13 शायद हमारा रह गया है, वीडियो पॉज रखी थी। देखो 12 और 13 में एक बार समराइज कर देता हूँ। एक्सीडेंटल हज़ार मतलब क्या होता है कि वो सारे काम या कृत्य है जिससे आपके एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ सकता हो, ठीक है। और हेल्थ हज़ार मतलब वो सारी चीज़ें जिससे आपकी हेल्थ पर दिक्कत आने वाली हो या हो सकती हो, ठीक है। अब जैसे इसका आंसर जो था, इसका आंसर था पर्सन एक्सपोज टू माइनिंग डस्ट, ठीक है। अब जो माइनिंग डस्ट में रहता होगा उसको रेस्पिरेशन की दिक्कत होती है ना, उसको सांस की बीमारी हो जाती है, तो इसीलिए हेल्थ में आ गया है। और जैसे ये था कि फिल्म स्टंट आर्टिस्ट, तो स्टंट जो कर रहा है उसको हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, उसको एक्सीडेंट हो सकती है, ठीक है, कॉमन सी बात है। अब ये डेमोलिशन एक्सपर्ट था तो ये क्या था, ध्वंस या तोड़फोड़ वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू इंश्योरर नीड मटेरियल इन्फॉर्मेशन। देखो इंश्योरर को मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, अगर इसको यही नहीं पता होगा तो वो उसका बीमा के लिए कितना प्रीमियम होगा, कितना रिस्क होगा, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेगा, तो ये जानने के लिए इंश्योरर को पूरा डिटेल चाहिए होता है। देखो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, चलो डॉक्यूमेंट तो कर देगा, ठीक है, बट कितना रिस्क है उसको ये कैसे पता चलेगा, अगर ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पुलिस में है, ठीक है। अब उसने चलो ये नहीं बताया कि पुलिस में है, सब कुछ बता दिया बस ये नहीं बताया पुलिस में है, तो उसका रिस्क कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा ना, इसीलिए हमको ये चाहिए होता है। देखो डिसाइड ऑन रिस्क एक्सेप्टेंस एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन एसोसिएटेड, ये इसका आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, जिससे कि सारी चीज़ें पता चल सकें कि वो आदमी कौन है, क्या करता है, उसके साथ में कौन सा रिस्क हो सकता है, उस रिस्क के हिसाब से हमें उसको कितना प्रीमियम देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, कंपेयर गैम्बलिंग एंड इंश्योरेंस। गैम्बलिंग आपको पता है जुआ होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें लोगों की सुरक्षा के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ हो जाता है तो उसको देते भी हैं, और कुछ पॉलिसीज ऐसे भी होती हैं जिसमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है कि वो मैच्योरिटी हो गई उसको पैसा मिलता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है गैम्बलिंग एंड इंश्योरेंस बोथ आर सेम, गैम्बलिंग तो जुआ होता है ना, इसमें मिलना ना मिलना कम कुछ नहीं पता होता, बट इंश्योरेंस में मिलता ही मिलता है, या तो इंसान की मृत्यु या दुर्घटना जाएगा तो मिल जाएगा, या वो सर्वाइव कर जाएगा तो भी मिल जाएगा, तो मिलना तो इसमें सुनिश्चित है, ठीक है। अब क्या लिखा है, गैम्बलिंग हैज़ नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन्वॉल्व बट इंश्योरेंस डज हैव, तो इसका आंसर यही है, ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 2। चलो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी 15 क्वेश्चन हम अगले सेट में करेंगे, आप इनको देखिए और मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आया होगा, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।